कांग्रेस और जेडीएस है, इन्हीं के लोग कूद कर जाकर येदुरप्पा को अपना हीरो माने, बीजेपी में चले गए और मिनिस्टर बने। आपने उनको वोट दिया था, कर्नाटका की आवाम ने, गुलबर्गा की आवाम ने, क्या किया उन्होंने, जाकर बीजेपी का साथ दिया। तो ये पॉइंट भी आवाम समझ रही है कि कैसे इन लोगों की वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है। और फिर बीफ बैन का मसला आया, क्या किए भाई आप लोग, क्या जेडीएस तायद नहीं करी, कांग्रेस क्या कर ली वहां पर, पूरा बीफ बैन कर दिया। हर खुरेशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सवाल बीफ बैन का नहीं है, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा, सवाल उनके कारोबार का क्या होगा। और ये तमाम चीजें हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम में तखीद करना, एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ बीजेपी बोलती कि इन फलां वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। ये सब चीजें अपनी जगह पर झूठ हैं। और मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सबकी तर्जुमानी हो सके। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के इस बल्दी इंतखाबात में गुलबर्गे की आवाम एक बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रही थी। कल तक यहाँ पर मुतबादिल नहीं था, ऑल्टरनेट नहीं था, अब ऑल्टरनेट है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रूप में। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इलियासेट बागवान साहब का कि बहुत दिन रात जस्तजू हो रही है, मेहनत हो रही है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे की आवाम, गुलबर्गे के तमाम जिम्मेदारान, गुलबर्गे के उलमाए मशायखीन, गुलबर्गे के दानिश्वर, गुलबर्गे के तमाम वो लोग इस बात को महसूस करेंगे और एक मुतबादिल के तौर पर यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और जो बल्दी इंतखाबात में, मेरी आप तमाम से अपील है कि सुबह के अवलिन सातों में अपने घर से निकल कर अपना एक एक वोट, मजलिस के का इंतखाबी निशान पतंग है, उस पर अपना वोट देकर अपने इत्तेहाद का, अपने सियासी शऊर का और गुलबर्गे की ऑल राउंड तरक्की के लिए और गुलबर्गे में जो सियासी क़यादत का जो वैक्यूम है उसको पुर करने के लिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सारी पार्टियां रीजनल पार्टीज है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को बीट कर सकती है। अच्छा, तो और हर प्रचार में बार बार AIMM पार्टी को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है, और ये हर बार इलेक्शन के समय ही क्यों होता है सर? आम आदमी पार्टी अरे राहुल गांधी को नहीं बचा सके, तुम मेरी बात कर रहे। राहुल गांधी डूब गए अपने अमेठी सीट से, अपने पूर्वजों की सीट को बचा नहीं पाए। आसाम में देखो आप कितनी इनकी ज्यादती है, आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस किए, क्या बोल के तोड़े, बीजेपी से मिले हुए इलेक्शन में साथ रहे, अजमल साहब से पूरा वोट लिए लोअर आसाम का, सब जगह का, नहीं जीते तो उनकी वजह से नहीं जीते, ये इनका गुरूर है। बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस करे आप, क्यों तोड़ दिए भाई आप? जीत नहीं जीते ना, नहीं जीतने की वजह आपके लोग हैं, मगर क्या करे, गले में डाल दिए जिम्मेदारी मुसलमान की। कांग्रेस तेलंगाना में कहां है बताओ आप, मेन अपोजिशन पार्टी मजलिस है, आंध्रा में गैब। तो ये इनका बोलना इसे खाली दिल्ली में बैठ के बोलते रहते, जमीन पे कुछ भी नहीं है इनका। हर जगह पे आप हार रहे हैं, हर जगह पे शिकस्त, पंजाब में लड़ रहे दोनों, वो भी मैं करा रहा हूं क्या है? हर जगह पे इनका कोई, छत्तीसगढ़ में अब इनका चल रहा है, इंटरनल कांग्रेस में बहुत प्रॉब्लम से, और एक पार्टी नीचे जाने वाली है, ऊपर आने वाले नहीं है, इन्हें ऊपर आने वाले नहीं है, दिखा रहे खाली आपको। और खुद कांग्रेस में डीके शिव कुमार, डीके में और सिद्धाराम में क्या अच्छी जोड़ी है, उन्हें नॉर्थ बोलते, उन्हें ईस्ट बोलते। बसों कल्याण चुनाव का भी किस तरह देख रहे हैं, कांग्रेस से मुकाबला है या बीजेपी से मुकाबला देख रहे हैं? अगर से नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में बीजेपी, देखिए ऐसा है,
कि मैं हमेशा कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि हम लोग लैला हैं और पूरे हमारे अतराफ में मजनुआ है। तो लैला के पीछे मजनू रहता है ना, तो कोई बात नहीं, सबको एक ही फिक्र है, मंजलिस नहीं जीतना, बस मंजलिस नहीं जीतना, कोई भी जीत जाओ। तो हम ये बोल रहे हैं कि मंजलिस गुलबर्गे की आवाम को इंशाअल्लाह ताला आवाम ही खुद मंजलिस को कामयाब करेगी, यकीनन बीजेपी को हराने का है। हमारे खिलाफ जो भी कैंडिडेट है हम उनको शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसमें आवाम का बे इंतहा बेलोस और वालेहाना आवाम का मजलिस के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो, या बाज जगह पर इंडिपेंडेंस भी है, इंशाअल्लाह ताला हम उनको शिकस्त देंगे, वो हम हमारा उनसे मुकाबला है। सर प्रियांश खरगे और प्रभारी मंत्रियों का भी आरोप है कि बी टीम है। कौन कौन सी पार्टी के लोग? कांग्रेस सर, पूर्व प्रभारी मंत्री राहुल गांधी अमेठी से हारे, क्या असदुद्दीन से हारे? तुम अपने बाप दादा की सीट हार गए और तुम जाके साउथ में वायनाड से जीतते, कौन थी बी टीम वहां पे? ये लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हैं। 183 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ 2019 में, ये लोग आपको बताते नहीं। 183 में से खाली 15 सीट पे कांग्रेस जीती, बाकी सीटों पे कैसे हार गई? तुम्हारे एमएलए बीजेपी में जाके येदुरप्पा के मोदी के गोद में बैठ के चाय पिए, कौन थे वो लोग? तुम तो धोखा दिए कर्नाटका की आवाम को उनका वोट लेकर। आपकी पार्टी से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता कर्नाटका में, क्यों नहीं जीतता भाई? आखिरी मुस्लिम एमपी कौन थे? गुलबर्गा से थे, सरडगी साहब थे, सरडगी साहब थे, उसके बाद से क्यों नहीं जीतते भाई? जिताओ ना तुम, वो छोड़ दो भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, जिताना था, नहीं जीतेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।